जब नामदेव की कथा आती है, संत नामदेव, तो यह चर्चा जरूर आती है कि उन्होंने जब अपने हाथ से माता और रोटियां बनाकर रखी, संत थे तो अपने हाथ से ही भोजन बनाते थे, रोटियां बनाकर रखी ही थी कि कुत्ता आकर उन रोटियों को मुंह में दबा करके दौड़ने लगा। कुत्ते ने वो रोटियां उठाई और भागने लगा, तब संत नामदेव भी उसके पीछे पीछे दौड़े, पर डंडा लेकर नहीं, घी का कटोरा लेकर दौड़ रहे, वो भी उसके पीछे भाग रहे, पर घी का कटोरा लेकर भाग रहे हैं और कहते जा रहे हैं, भगवान रुक जाओ, रुक ही तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, अरे तुमने सकल बनाई कैसी स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मैं मनुष्य बनाकर भेज दिया, तुम इस रूप में आए हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो इनमें भी भगवान दिखाई दे सकता है, यदि सब में वही स्थिति हो जाए जो बाबा तुलसीदास जी की रही, सिया राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये चौपाई याद नहीं होगी, कोई ऐसा है क्या? सबको ये चौपाई याद है, लेकिन ये बात याद नहीं है। अगर सिया राम मय सब जग जानी, सब में राम दिखते हैं, तो फिर पत्नी से क्यों झगड़ते, बोलो, फिर छोटी बात पे क्यों कहते हो इसमें नमक कम रह गया कि मिर्ची कम रह गई और भोजन फेंक देते हो, तब तो राम नहीं दिखते। अपने राम के साथ कोई ऐसा करता है, फिर पड़ोसी में दुश्मन क्यों दिखता है, बोलो, फिर माता पिता में राम क्यों नहीं दिखते? अगर सब में दिखते हैं तो वो सब में ही होंगे। इसलिए मैंने शुरुआत की, प्रारंभ किया कि बात केवल वाणी तक रहती है तब असरदायक नहीं रहती है। जो कह रहे हो, जो गा रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, वो अनुभव में भी होना ही चाहिए, वो वास्तविकता में भी होना ही चाहिए। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जो व्यक्ति हरि का दर्शन सब में कर लेता है, वो हर समय तृप्त और प्रसन्न रहता है। आप दुखी दुखी से क्यों दिखाई देते हो? ये माथे पे लकीरें से क्यों पड़ी रहती है? हर समय चिंता में दिखाई देते हो, क्रोध में दिखाई देते हो, जिसको भी देखो इतना बड़ा मुंह लेकर घूमते हैं, और गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध, इतनी गुस्सा, इतनी चिंता, इतनी पीड़ा, इतनी उलझने, उतनी तो नहीं है जितनी आपने बना रखी है। वही मकड़ी वाला जाला है, खुद ही बनाते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, भगवान विवाह हो जाए, अब बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, 10वीं पास कर ले बेटा, विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसी के लिए कर ले। अब विवाह भी हो गया, अब विवाह हो गया कि सुखी हो जाऊंगा, तो विवाह होने के बाद सुखी हुए क्या, बोलो? पहले विवाह नहीं हो रहा था इसलिए दुखी, अब हो गया इसलिए दुखी। पहले संतान नहीं थी इसलिए दुखी, अब संतान हो गई है तो संतान के कारण दुखी। कितने लोग संतान की वजह से दुखी है, हैं कि नहीं है? पहले संतान नहीं है तो भगवान से मांगते भगवान संतान हो, और जब संतान हो गई और ऐसी संतान, फिर कहते प्रभु इससे तो नहीं होती तो ही ठीक था। कभी गृहस्थ में जाने के लिए दुखी है, कभी गृहस्थ से बाहर जाने के लिए दुखी है, दुखी ही दुखी है, खुद ही दुखी है, खुद ही गड्ढा खोदता है, खुद ही गिरता है। इसलिए समझ जाओ जीवन को, जीवन को यथार्थ समझ लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। दो तरीके जीवन जीने के हैं, एक संघर्ष और एक समर्पण। या तो हर बात में संघर्ष करिए, तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, या तो शिकायतें करते रहो सभी से और परमात्मा से भी, और या फिर समर्पण कर दो, जो भी स्थिति है, जो भी हाल है, जो भी अवस्था है, जो कुछ भी मिला है, बस उसमें सहज हो जाओ, उसमें संतोष कर लो, और परिश्रम करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हुए
ले जाओ। ये दो अवस्थाएं कैसे जीना है बताइए, आपके ऊपर है। या तो शिकायत करते रहो कि भगवान ऐसा क्यों किया, या तो समर्पण कर दो कि प्रभु जो किया है वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, बहुत ठीक है। कुछ लोग तो इस बात की भी शिकायत करेंगे देखना कि अरे कथा इतनी जल्दी कैसे होगी, 7 दिन पूरे हो जाएंगे। 7 दिन निकलने के बाद कुछ लोग 8वें दिन पूछेंगे क्यों भैया कथा कहाँ चल रही है। तब उनको बोलना कि कथा तो जहां चलनी थी वहां चल गई। 8वें दिन पूछते हैं कथा कहाँ चल रही है, बताओ, आना चाहते हैं, अब तो समय निकल गया। जो मिला है उसमें समर्पण करिए, शरणागत हो जाइए, और ठाकुर के चरणों में जो आ गया, गोविंद के चरणों में जो आ गया, वो सही मायने में जीवन जीना सीख जाता है, शिकायत नहीं करता। सुबह उठते से ही धन्यवाद शुरू कर दो। आप कहोगे कैसे जिए जीवन, तो जीवन जीने की इतनी अच्छी अच्छी प्रक्रियाएं भगवान ने बताई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने सबसे पहले उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। उठते ही भगवान का धन्यवाद करना, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे सुबह का सूरज दिखाया, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, नहीं तो रात को कितने लोग चले जाते, उठ ही नहीं पाते, सुबह देख ही नहीं पाते, इसलिए धन्यवाद कि तूने सुबह का सूरज दिखाया। फिर धरती पर उतरो तो धरती माँ को प्रणाम करके धरती का धन्यवाद करो, देवताओं को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करके धन्यवाद करो ईश्वर का, और प्रसन्न मन से खुश रहते हुए प्रातः की शुरुआत करिए, और पूरे पूरे दिन आप मुस्कुराते हुए और कार्य करते हुए जाइए। अपने हाथ में अपनी बागडोर संभालिए, और खुद से न संभले तो अपने गोविंद को पकड़ा दीजिए, बस इतना कर लीजिए।